पश्चमशादिलक्षण एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वेदा विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नाशौ मुनिर्यस्य मतं न भिन्नम् धर्मस्य तत्त्वं नीतं गुहायां महाजनो येन गतः सुपन्था विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव नहि देवो न मर्त्यो मास्तवः क्रतुं परः मरुदभिरग्न आगहि चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः तेषां त्रिणी गुहां ने गयन्ति चतुर्थवाचा मनुष्यावदन्ति एक शब्द गुरुदेवता ताको अनंत विचार
थाके मुनि जन पंडिता वेदन पावतु पार वेद थके ब्रह्मा थके थकिया से समहेश गीता हूँ कि गम नहीं तह सदगुरु उपदेश चार वेद खट शास्त्र पढ़ा अष्टादश पुराण कहें सदा फल गुरु बिना पावे न पद निर्वाण दुर्लभ सदगुरु पंथ है भाग्यवान नर पाय देव सदा फल हरि कृपा तब अमरा पुरु जाय सदगुरु सदा फल देव विहंगम योग संस्थान के अध्यक्ष स्वर वेद महान ग्रंथ के कथा प्रवर्तक स्वर वेद में रचे बसे मेरे योग्य उत्तराधिकारी श्रुत ज्ञान प्रवाही संत विज्ञान देव महाराज राज्य स्तर के उच्च अधिकारीगण संयोजकगण प्रचारकगण उपदेष्टागण मातृशक्ति युवा शक्ति बच्चों पत्रकार बंधुओं अन्य आगत सज्जनों मधुबनी और समस्तीपुर ये दोनों जिला पहले दरभंगा में थे पुराना जिला हम लोगों का दरभंगा है बाद में 1992 में समस्तीपुर और ये जो मधुबनी है ये बाद में बना है सदगुरुदेव ने चर्चा की है अपने जन्म स्थान पकड़ी का पकड़ी पकड़ी जगत को राष्ट्र परम गुरु आए श्वेत ध्वजा अध्यात्म की भूमंडल फहराए सद्गुरुदेव ने अपने साहित्य में
चर्चा की है, जगत शब्द की ध्वजा अंकित जगत फहराय वसु अमृत झरे। सद्गुरुदेव ने चर्चा की है विश्व शब्द की, परा विद्या योग दुर्लभ मंत्र विश्व उद्धार का। सद्गुरुदेव ने चर्चा की है भूमंडल शब्द का, हंस हंसिनी शुद्ध है दीजय बोध लखाय, भूमंडल प्रचार है छान बीन सब आय। भूमंडल पहराने वाला सहज योग दर्शाने वाला। सद्गुरुदेव ने अपने ग्रंथों में प्रयोग किया है जगत शब्द का, प्रयोग किया है भूमंडल शब्द का, प्रयोग किया है विदेश का भी। निज देश विदेश प्रचार बने, गुरुदेव दया कर दीन जने। पकड़ी का संबंध केवल देश ही से नहीं है, इसका जो संबंध है भूमंडल से है, विश्व से है, जगत से है, दुनिया से है, संसार से भी है। त्रिकालज्ज सर वज्ज हो महिमा अपरम पार, विघ्न बहुत प्रचार में किमि बोधूं संसार। तो जहां बात है देश विदेश की, वहां पर मैं कहना चाहता हूं कि पकड़ी का संबंध दरभंगा से कैसे हुआ। पकड़ी तो पकड़ेगी ही, उसका काम ही है पकड़ना। जो भी सद्गुरु के शिष्य हैं, भक्त हैं, जिज्ञासु हैं, सबको पकड़ी पकड़ रही है। दरभंगा को भी पकड़ी ने ही पकड़ लिया, यह बात बहुत पुरानी है। यह बात 1940 की है। पकड़ी गांव के ऐसे बहुत युवक थे, जवान थे,
जिनकी शादी हुई दरभंगा में, पकड़ी गांव के लोग बारात लेकर के आते थे दरभंगा में, पहले रिवाज था वर वधू की तरफ से शास्त्रार्थ होता था, प्रश्नोत्तर होता था। पकड़ी गांव से कई शादियां हुई दरभंगा में, तो पकड़ी गांव के लोग जाते थे दरभंगा में। एक जगह है डुमरी, वहाँ जाते थे लोग शाहपुर पटोरी स्टेशन से चल करके। सोचिए 1940 की बात है, उस समय यातायात के साधन भी नहीं थे। साधन में क्या था, रिक्शा था, बैलगाड़ी थी, इक्का था जिसको हम लोग टमटम बोलते हैं। शाहपुर पटोरी से हम गए थे 1972 में। उस समय रास्ता कच्चा था, कच्चा है नहीं, उसमें कहीं कहीं पानी भी था, कहीं कहीं गड्ढा भी मिल जाता था। हम तो गए बैलगाड़ी से, प्रथम आचार्य श्री का परम निर्माण 28 जुलाई 1969 को सोमवार के दिन 11 बजे दिन में हुआ था, और 1972 में मुझे दरभंगा जाने का अवसर मिला। उस समय दरभंगा जिला था, अब हो गया है समस्तीपुर। वहाँ के पुराने शिष्यगण तो अब रहे नहीं, स्वर्गीय जगदीश कुमार सिंह थे, स्वर्गीय श्रीवन श्री नारायण सिंह थे, कृपालु झा थे, दयालु झा थे, डुमरी के आसपास कई गांव में प्रचार था स्वामी जी के समय से ही। बोचहा है, बघरा है, जौनापुर है, डुमरी बिंदगामा है, यहाँ पर स्वामी जी के शिष्य उस समय थे। दो तीन शिष्य तो हमारे समय में भी मिले जो सद्गुरुदेव के पुराने शिष्य थे। अब मैं आता हूँ अपने विषय पर। पकड़ी गांव के लोग जब आते थे बारात लेकर के तो शास्त्रार्थ होता था, कुछ रिवाज था प्रश्नोत्तर करने का,
शास्त्रार्थ में पकड़े गांव वाले लोग हार जाते थे। ऐसा दो तीन बार हो गया। पकड़ी गांव से बारात आती थी और शास्त्र में पकड़ी गांव वाले लोग हार जाते थे, उनकी पराजय हो जाती थी। चौथी बार फिर से बारात आने वाली थी पकड़ी गांव से दरभंगा के लिए। पकड़ी गांव के लोग स्वामी जी के पास पहुंच गए। स्वामी जी ने कहा, कहिए आप लोग इतनी संख्या में मेरे पास आए हैं। तो गांव के मुखिया ने पहले कहा कि महाराज जी, दरभंगा में हमने के कई गो बारात गई, साथ साथ में हमने का हार गई लीजा। तो हमने के निवेदन बा कि ये बड़ी रौरा चली संगे हमने के। तो स्वामी जी कहे कि मुझको शादी में आप लोग ले चलेंगे। पकड़ी गांव के लोगों ने कहा कि महाराज जी, सवाल आ गया है प्रतिष्ठा का, से हम लोगों का अनुरोध है कि यह चौथी बारात जा रही है, तीन बार तो हम लोग हार गए, इस बार आप साथ चले। सबने निवेदन किया कर जोर करके। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, जब आप लोग इच्छा है तो मैं चलूंगा। निश्चित तिथि पर पकड़ी गांव के लोगों के साथ स्वामी जी भी चल दिए। स्टेशन पर गए तो गाड़ी आकर खड़ी थी, टिकट जो है किसी के पास कटाने का समय नहीं मिला। सब कहे कि स्वामी जी, अब का हुई, अब तो गाड़ी खुल जाए। तो स्वामी जी कहें कि गाड़ी में बैठा जा तो हम लोग। जहाँ स्टेशन आई शाहपुर पटोरी, ओजा सब कहूँ हमारा सामने रही, आगे आगे हम चलब आ पीछे पीछे तुह लोग चलिए जा। शाहपुर पटोरी पहुँचे स्वामी जी के साथ गांव के लोग, बराती लोग। जहाँ पर टिकट चेकिंग होती है तो स्वामी जी पहले कह दिए कि देखो, जहाँ पर चेकिंग होती है वहाँ पर मैं आगे रहूँगा और तुम लोग जो है चलते रहना वहाँ से। बारी बारी सभी लोग चलते गए। टिकट चेक करने वाले का कुछ ध्यान ही नहीं रहा, लगा कि उसको मूर्छा हो गई है। फिर स्वामी जी ने कहा कि सब लोग चले गए ना, तो ठीक है, अब हम भी चलते हैं। तब तो उसकी मूर्छा टूटी और स्वामी जी को देखते रह गया। वो बारात पहुंच गई डुमरी ग्राम में। साथ साथ का समय हो गया। स्वामी जी से कहा पकड़ी गांव के लोगों ने कि स्वामी जी रौरे जवाब दे, हमने के जवाब नहीं थे मालूम कि लोग का कही और रौरा का समझाए, हमने के बस के नहीं थे, रौरा आगे रहे के बाद। तो स्वामी जी के साथ में
एक युवक था जो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था। प्रश्न होने लगा, स्वामी जी ने कहा कि एकर उत्तर तो लैटवे दे दी, हमारा काम ना पड़ी। स्वामी जी उसके सिर पर हाथ रख दिए, इस शरीर में मूलाधार से और मूर्धा तक कई सारे पड़ाव हैं सिद्धि के, गुरु विधान से वहां पर योगी संयम करता है, संयम के कई पड़ाव हैं, मूलाधार से स्टार्ट होता है, हृदय में आता है, कंठ में आता है, भ्रिगुटी में आता है, त्रिकुटी में आता है और मूर्धा में भी आता है। सबके प्रयोग की विधि बाल्यकाल ही में, जब मैं 12-13 वर्ष का था, प्रथम आचार्य श्री ने बताया था और कहा था कि विहंगम योगी इसके चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन जान लो, जानकारी कर लो, समय से काम आई। उसके सिर पर सद्गुरुदेव ने हाथ रख दिया, प्रश्नोत्तर शुरू हुआ और वह लड़का जवाब देने लगा। उसमें संस्कृत के भी विद्वान थे, यह जो मिथिला है यहाँ पर बड़े बड़े पंडित हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, कुछ विद्वान वहाँ भी थे, वो लगे बोलने संस्कृत में। अब वो लड़का भी जवाब देने लगा संस्कृत ही में, ब्राह्मण पंडित अबात, सब एक दूसरे का मुख देखने लगे कि स्वामी जी तो कुछ बोलत नहीं किया, लेकबा कैसे बोलत आई। अंत में स्वामी जी बोले कि आप लोग पुस्तकी ज्ञान के विद्वान हैं, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, मैं फकीर हूं, जो आप लोग पढ़ाते हैं ना उसको मैं क्रिया रूप में करता हूं, उसका अभ्यास किया हूं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 17 साल तक किया हूं। अब क्या हुआ, दूसरे दिन लोग आ करके दीक्षा लेना शुरू कर दिए। तो इस तरह से प्रचार शुरू हुआ पकड़ी का दरभंगा में। एक ज्ञान वह है जहाँ का आधार मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, जिसे हम कहते हैं भौतिक ज्ञान, अपरा विद्या का ज्ञान।
चार वेद है, खट शास्त्र है, छंद है, ज्योतिष है, व्याकरण है, शिक्षा है, दर्शन शास्त्र है, सबको ऋषियों ने कहा कि यह अपरा विद्या है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष सब अपरा विद्या के अंदर है। एन अक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है वो क्या है? वही परा विद्या है, वही सहज योग है, वही शब्द सुरत योग है। अरे वही मीन मार्ग भी है, वही देवयान पथ भी है। संयम के प्रकार शरीर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ढंग से होते रहते हैं। किए जाते हैं समय समय से, लेकिन आदेश नहीं है। आदेश यह है कि जानकारी कर लो, इसके प्रयोग में मत फंसो। आवश्यकता अनुसार कभी कभी प्रयोग कर लेने में कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन उस चक्कर में फंसना नहीं है। सद्गुरुदेव के पास सारी शक्तियां थी, चाहे वो प्राकृतिक योग हो, चाहे प्राकृतिक सिद्धियां हो, सबके विवेकता थे, लेकिन अंत में सद्गुरुदेव ने कहा कि विहंगम योग का साधक सिद्धि विभूतियों के चक्कर में नहीं पड़ता। सद्गुरुदेव ने कहा कि मैं योग बल से कार्य करता हूं, योग बल अलग है, सिद्धि विभूति अलग है, योग बल आत्मा का शुद्ध आत्मिक बल है। योग बल से सद्गुरुदेव ने बड़े बड़े महान कार्य किए हैं। योग बल आत्मा का विशुद्ध बल है। अरे वह तो आध्यात्मिक प्रयोग है, उसका आधार शरीर नहीं है, उसका आधार प्रकृति नहीं है, उसका आधार मन बुद्धि वाणी भी नहीं है। अरे वहां तो अध्यात्म है, आत्मानम अधि, आत्मा के विषय में अथवा आत्मा के परे जो ज्ञान है वहीं पर अध्यात्म है।
सद्गुरुदेव अध्यात्म के वेत्ता तो थे ही, लेकिन प्रकृति मंडल का भी उन्हें पूर्ण ज्ञान था। स्वामी जी चाहे होते तो विख्यात हठयोगी हो सकते थे, विख्यात तांत्रिक हो सकते थे, विख्यात ज्योतिषी हो सकते थे, लेकिन सद्गुरुदेव ने सब कुछ जानते हुए भी उसका खंडन किया है। सद्गुरुदेव राजयोगी भी थे, मंत्र योगी भी थे, लय योगी भी थे, प्रकृति से लेकर के परमाणु तक सब उनको ज्ञान था। शक्ति दो तरह की है, एक शक्ति प्रकृति की है जहां का आधार प्राकृतिक है, और एक शक्ति ऐसी है जहां का आधार आत्मा है। जो आत्मिक आधार से आध्यात्मिक प्रयोग होता है, वह प्रयोग ऐन्द्रिक नहीं होता, बौद्धिक नहीं होता, भौतिक नहीं होता, वह प्रयोग विशुद्ध योग बल का है। सद्गुरुदेव हम सभी जानते हैं कि पढ़े लिखे नहीं थे, सद्गुरुदेव के पास जो शक्ति थी वह आध्यात्मिक शक्ति थी, वह आध्यात्मिक बल था। नैनीताल के पास एक विश्वविद्यालय है, वहाँ के प्रोफेसर वहाँ पढ़ाते थे, संयोग से पकड़ी गांव के लोग वहाँ पहुँचे थे, उनके कोई संबंधी वहाँ पर थे। प्रोफेसर ने पूछा, स्वामी प्रोफेसर ने पूछा पकड़ी गांव के लोगों से कि बताओ बलिया जिले में पकड़ी गांव में कोई सदाफल देव जी महाराज थे? तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग तो पकड़ी गांव ही के हैं। स्वामी जी तो गुफा में रहते थे, वहां के पहल लिखल ना रहे, गुफा में रह के तपस्या करत रहे हैं। प्रोफेसर ने कहा कि देखो
मैं स्वामी जी के साहित्य को पढ़ा हूँ, मैं स्वर वेद पढ़ा हूँ, बीजक भाष्य पढ़ा हूँ, तुम लोग जानते नहीं हो सही में, गुफा में बैठने वाला स्वर वेद लिखेगा, बीजक भाष्य लिख देगा, प्रोफेसर के दिमाग में ये था कि स्वामी जी कहीं से किए होंगे पीएचडी, डिलीट किए होंगे, डिग्री लिए होंगे, कुछ कड़े शब्दों में उन्होंने कहा प्रोफेसर ने कि तुम लोग जानते ही नहीं हो, गुफा में बैठने वाला व्यक्ति स्वरवीर जैसे ग्रंथ को कैसे लिख देगा, बीजक भाष कैसे लिख देगा। पकड़ी गांव के लोग बहुत बोले कहे, लेकिन प्रोफेसर नहीं माना, कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये हमारे बुद्धि के बस में नहीं है, हमको समझ में नहीं आता है। तो पकड़ी गांव के लोग कहे कि रौरा तक किताब न पढ़ लिया स्वामी जी के लिखल, चल नहीं रौरा के हम स्वामी जी से भेंट कर देता नहीं, प्रोग्राम बनाई चले के पकड़ी। खैर प्रोफेसर महोदय तो पकड़ी नहीं आए, स्वामी जी के चरणों में हम सबकी भक्ति क्यों है, अटूट श्रद्धा क्यों है, हम सभी आत्मसमर्पित क्यों हैं। इसलिए हैं कि सद्गुरु देव ने जिस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है, जिस अध्याप की ज्योति जलाई है, वहां पर पांडित्य नहीं है, वहां पर तर्क नहीं है, बिटंडावाद नहीं है, सदगुरु ने तो स्वतः लिख दिया निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे करत समर्पण सोय। यह जो मिथिला में हम आए हैं, मिथिला के पीछे क्या है, बहुत बड़ा इतिहास है, हम मधुबनी में हैं, मधुबनी में मधुबनी का अर्थ क्या है, जहाँ पर मिथिला है, इच्छाकु वंश के रूप में मिथि ऋषि हुए हैं, उन्हीं के नाम पर मिथिला पड़ा है, और महात्मा बुद्ध की भूमि रही है, यह याज्ञवल्क ऋषि की भूमि रही है, यह याज्ञवल्क ऋषि मधुबनी जिले के ही
जगबन गांव के थे, याजवल्क ऋषि की दो पत्नियां थी, एक का नाम कात्यायनी था, दूसरे का नाम मैत्रेयी था। मैत्रेयी मिस्र देश के राजा की कन्या थी। याजवल्क ऋषि का विवाह उससे नहीं हुआ था, वह याजवल्क ऋषि को अपना पति मान ली थी। याजवल्क ऋषि का विवाह तो हुआ था कात्यायनी से, मैत्रेयी से नहीं हुआ था। लेकिन मैत्रेयी जो है मिस्र देश के राजा की कन्या थी, उसने कहा अपने पिता से कि पिताश्री, मैं याजवल्क ऋषि को पति मान रही हूँ। पिता ने कहा कि तो गलती है, दोष है, याजवल्क ऋषि हैं, उनकी पत्नी का नाम कात्यायनी है। लेकिन मैत्रेयी बोलती है कि पिताजी, मैं तो उनको पति स्वीकार कर ली हूं और मैं कात्यायनी मेरी बड़ी बहन रहेगी और एक लड़का भी था याजवल्क ऋषि को, उसके विषय में मैत्रेयी ने कहा कि उसको मैं लड़के के समान प्यार करूंगी, उसको प्रेम दूंगी, उसका लालन पालन करूंगी। समय से याजवल्क ऋषि वृद्ध हो रहे थे। जनक के दरबार में जाते थे, हुए उनका बहुत सम्मान था। उनके सम्मान को, यश कीर्ति को देख करके मैत्रेयी ने उनको पति बना लिया, मान लिया। वो अभी आकर के रहने लगी ऋषि आश्रम में। याजवल्क ऋषि वृद्ध होने लगे, इंद्रियां क्षीण होने लगी। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाया और कहा कि देखो, मैं वृद्ध हो चला हूँ, मेरे पास जो भी धन संपत्ति है, मैं चाहता हूँ तुम दोनों को बांट दूँ। कात्यायनी जो उनकी पहली स्त्री थी, वो बड़ी खुश हो गई कि अब तो बहुत धन मिलेगा हम लोगों को। लेकिन दूसरी जो पत्नी मैत्रेयी थी, वो कही कि आप सबको छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? तो वो बोले कि मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ पर भौतिक संपत्ति का मिट्टी के समान महत्व है, मैं आत्मज्ञान प्राप्त करने जा रहा हूँ कि आत्मा क्या है। मैत्रेयी ने कहा कि आप जा रहे हैं आत्मज्ञान के लिए, परमात्म प्राप्ति के लिए,
तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मुझे संसार का सुख वैभव नहीं चाहिए। मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी, मैत्रेयी को ज्ञान था कि संसार के भोग, संसार के संबंध, संसार की वस्तुएं क्या हैं, नश्वर हैं, परिवर्तनशील हैं। सत्य क्या है कर विचार, मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न भय, लीन कमन विधि पार। आत्मज्ञान जब उदय भय, सुधि भई आपन देश, भेद डोरी सदगुरु दिया, गति सुस्त मन प्रवेश। तो यह जो मधुबनी है, ऋषियों की भूमि रही है, इसका जो है नाम ही मधुबनी है। तो दूसरा अर्थ इसका यह भी है, पहला अर्थ ये हुआ कि वह एक राजा थे जिनका नाम यदु की पीढ़ी में था, उनका नाम था मधु राजा का, उसी के नाम पर मधुबनी बन गया। मधुबनी शब्द का जो अर्थ है दूसरा ये है कि मधुबनी में उस समय वन था, जंगल था, और वहां से मधु बहुत निकलता था। तो मधुबनी जहां से मधु बराबर लोग निकालते थे और बाहर भेजते थे, मधुर वाणी भी यहाँ की बहुत है। के उराणी न भूषयंति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, नालम कृता मूर्धजा। वाणी का समलम करोति पुरुषम, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम्, वागभूषणम् भूषणम्। वाणी का भी एक भूषण होता है, पानी मधुर हो, प्रिय हो, तो मधुबनी के लोगों में मधुरता है, मधुरता है। इनकी वाणी बड़ी मधुर होती है, तो मधुबनी का संबंध मधु से भी है। जनकपुर में तो राजा ही थे जनक, जनक विदेही कहे गए हैं, जनक जो थे राजा भी थे और योगी भी थे, राजर्षि थे, महर्षि थे, उन्मुनि मुद्रा के अभ्यासी थे। शक्ति शब्द जो उन्मुनि मुद्रा, शक्ति शब्द जो उन्मुनि मुद्रा, सोई आकाश सने ही, तामे झिलमिल ज्योति दिखावे,
जाना जनक विदेही। इस शरीर के अंदर अलग अलग पड़ाव हैं, अलग अलग साधनाएं हैं, एक साधना निरंजन की है, मन की है, जो राजयोग के अंदर है, जिसकी साधना किए थे कौन? गोरख ऋषि। अरे वही तो चाचरी मुद्रा है, शब्द निरंजन चाचरी मुद्रा, सो है नैन माही, तेही को जाना गोरख योगी, महा तेज बल जाही। इसी शरीर के अंदर त्रिवेणी है, त्रिकुटी है, जहाँ पर ओम का शब्द है, ओम के ध्वनि है, जहाँ पर प्रकाश है सूर्य का, जहाँ पर प्रकाश है चंद्रमा का, जिसको व्यास ऋषि जानते थे, इसी शरीर के अंदर सोहम शब्द होता है, जो आता है अगोचरी मुद्रा के अंदर, जिसका स्थान भंवर गुफा है। जिसके वेत्ता कौन थे? सुखदेव ऋषि थे। इसी शरीर के अंदर खेचरी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है, जिसकी साधना किए थे ब्रह्मा विष्णु और महेश, जिसका स्थान भेद है, निरंकार है, खेचर मुद्रा दसवा द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा रंकार पहचाना। शक्ति शब्द जो उन्मुन मुद्रा सोई आकाश ने ही, तामे झिलमिल ज्योत दिखावे, जाना जनक विदेही। ओंकार है भूतरी मुद्रा, है त्रिकुटी अस्थाना, व्यास ऋषि ताको पहचाना, चांद सूर्य सो जाना। यह जो मधुबनी है, यहीं पर हुए एक बहुत बड़े विद्वान जिनका नाम था वाचस्पति मित्र, वाचस्पति मित्र थे, योग मीमांसा न्याय के बड़े विद्वान थे, उस समय जो परंपरा थी पढ़ने की, उस समय बिजली नहीं थी, लालटेन भी नहीं थी, दीपक जलता था, दीपक के सहारे ही हम लिखते थे और पढ़ते भी थे।
वाचस्पति मिश्र बड़े विद्वान थे, टीका कर रहे थे, लिख रहे थे, उसी में दीपक बुझ गया। तो दीपक जब बुझ गया तो एक सेविका आ गई, दीपक को जला दिया। सेविका कौन थी? उनकी धनपति थी। दीपक जलाने के बाद उसने हाथ जोड़ लिया कि पति देव, मैं आपकी बहुत सेवा की हूं और मुझे कोई पुत्र नहीं है, इतने वर्षों तक मैंने आपकी सेवा की, मुझे आप जैसा ही पुत्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो, मेरे पास अब समय कहाँ है, मेरी अवस्था भी बहुत ज़्यादा हो गई है। ऐसा मैं करता हूँ कि जो मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ, जो टीका कर रहा हूँ, उसमें तुम्हारा नाम दे दूँगा, भामती। उनकी स्त्री का नाम भामती था, तो भामती नाम की टीका उन्होंने की, भामती के नाम चाहिए, और कहे कि जब तक ये ग्रंथ रहेगा भामती तुम्हारा नाम रहेगा। वाचस्पति मित्रा बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने भामती नाम की टीका लिखी है। वे मिथिला के ही हैं, मिथिला के ही थे। तो मिथिला नगरी जो है धार्मिक नगरी भी है और आध्यात्मिक नगरी भी है। और यहाँ आने पर तो मुझे लगता है कि मैं रोहतास में आ गया हूँ। मैं दक्षिणी बिहार में हूँ, ऐसा आपको महसूस नहीं होता। मैं दक्षिण में हूँ, दक्षिण बिहार में प्रचार की कमी खटकती थी, लेकिन लगता है कि यहाँ के जो भक्त शिष्य हैं उनके माध्यम से समय काल से यहाँ भी प्रचार प्रसार होगा। चाहे अररिया हो, किशनगंज हो, सहरसा हो, सुपौल हो, मधेपुरा हो, यहाँ प्रचार नहीं के बराबर है अभी भी, लेकिन मधुबनी के इस कार्यक्रम को देख करके ऐसा लगता है कि समय से यहाँ भी प्रचार कार्य में दिन दूना रात चौगुना वृद्धि होगी। जो भी
भक्त शिष्ट यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सबके अंदर मैं अपार श्रद्धा देख रहा हूँ, अपार प्रेम देख रहा हूँ, भक्ति देख रहा हूँ, समर्पण की भावना देख रहा हूँ, समय से प्रचार प्रसार में एक विशेष गति आने वाली है। यह जो कार्यक्रम है मधुबनी का ऐतिहासिक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का एक इतिहास होने वाला है। इस कार्यक्रम में मैं देखा, अनुभव किया, आप सबके प्रेम का, आप सबके उत्साह का, आप सबकी समर्पण भावना का, सदगुरु के चरणों में आप सभी पूर्ण समर्पित हैं, पूर्ण आस्था है, पूर्ण श्रद्धा है, आप सबको देख करके मुझे बहुत ही प्रसन्नता है, खुशी है। आप जो भी सद्गुरु के भक्त शिष्य यहाँ पर पधारे हैं, उपस्थित हुए हैं, सबके प्रति मेरी हार्दिक शुभकामना है। साथ ही साथ आध्यात्मिक शुभकामना भी है। भौतिक जगत में भी आपका उत्थान हो, सबके घर में लक्ष्मी का वास हो, सभी अपने सर्विस में, व्यापार में, व्यवसाय में तरक्की करें, सुख समृद्धि हो। आप सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें। भौतिक जगत में भी सुख है, ऐसा नहीं है कि भौतिक संसार में खाली दुखे दुख है, सुख भी है। पहला सुख क्या है? धन का आगम होना चाहिए। दूसरा सुख क्या है? यह जो शरीर है वो निरोग रहे, स्वस्थ रहे। तीसरा सुख क्या है? अपनी जो धनपत्नी हो कैसी हो, मधुर भाषणी हो, ये भी बहुत बड़ा सुख है। प्रिय वचन बोलने वाली हो, जवान लड़का हो, युवा लड़का हो, जो आज्ञाकारी हो पिता का, ये भी बहुत बड़ा सुख है। अपने पास ऐसा हुनर हो जिससे हम अर्थ की प्राप्ति कर सकें, ये भी एक सुख है। यह तो भौतिक सुख की बात मैं कह रहा हूँ,
ऐसा नहीं है कि सदा हम दुखी रहेंगे, सुख के भी समय आते रहते हैं, दिन है तो रात है तो दिन है। लेकिन ऋषियों ने अंत में ये कह दिया कि यह संसार अल्प है, क्षणिक है, नश्वर है। नाल्पे सुखमस्ति भूमा वै तत्सुखम। भूमा कहते हैं शब्दानंद को, भूमा कहते हैं परमानंद को, भूमा कहते हैं ब्रह्मानंद को, उसके अंदर सुख है। यह जो भौतिक सुख है, जो ऐंद्रिक सुख है, क्षणिक है, कुछ काल के लिए है, अल्प है। हम सभी विहंगम योग के पथिक हैं, स्वर वेद के हम राही हैं। हमारा जो पथ है विहंगम पथ है, हमारा जो अखाड़ा है वो विज्ञान अखाड़ा है। सभी संप्रदायों के अलग अलग अखाड़े होते हैं, तो हमारा जो है अखाड़ा विज्ञान अखाड़ा है। जहां पर विशेष ज्ञान है, जहां स्व ज्ञान है, जहां स्व आधार है, सद्गुरुदेव ने क्या कहा, प्रकृति आधार चल ही सब पंथा, मन और प्राण बुद्धि सब संथा। सद्गुरुदेव ने कहा मन मंडल के भीतरे सकल पंथ चल जाए। आज विश्व में कौन कहने वाला है कि सारे पंथ, सारे संप्रदाय, सारे फिरके, सारे मजहब चल रहे हैं भौतिक आधार से, बौद्धिक आधार से, ऐंद्रिक आधार से। कहने वाले मेरे एकमात्र सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज हैं। यहाँ का ज्ञान जड़ जगत का नहीं है, मन बुद्धि वाणी का नहीं है। सद्गुरुदेव ने तो लिख दिया इंद्रियों से ना ही साधन, ना ही साधन प्राण से, चित्त मन से ना ही साधन, ना ही बुद्धिमान से। प्रकृति का आधार तज स्वज्ञान से साधन चले, कहें सदा फल योग दुर्लभ, वर विहंगम सत फले। अरे यह जो विहंगम योग है इंद्रियों का विषय नहीं है, प्रकृति का विषय नहीं है, वाणी बुद्धि का विषय नहीं है, यह तो अपना विषय है। प्रकृति का आधार त्वजी
स्वज्ञान से साधना चले, अपना ज्ञान अपना अनुभव कहाँ है, जहां पर इंद्रियां नहीं हैं। विहंगम योग कहता है कि जिस साधना में जिस भक्ति में अरे तुम्हारे साथ मन लगा हुआ है, बुद्धि लगी हुई है, वह तो भक्ति है ही नहीं, वह तो कर्म है। ऐसा कहने वाला आज भूमंडल पर कौन है? कोई नहीं है। कर्म क्या है और भक्ति क्या है, इसके रहस्य को कौन समझता है जो स्वर वेद से जुड़ा है? विहंगम योग का जो दर्शन है, विहंगम योग की जो फिलॉसफी है, वो बतलाती है कि परमात्मा जो है वो चेतन है, और तुम्हारी जो आत्मा है वो भी चेतन है। चेतन चेतन का जो योग है वही तो विहंगम योग है। आज भक्ति के नाम पर, योग के नाम पर, परमात्मा के नाम पर हम कर्म कर रहे हैं और समझते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। सद्गुरुदेव ने बताया है कर्म के रहस्य को। सद्गुरुदेव ने कहा है कि कर्म होता है इंद्रियों से, चाहे वो कर्म शुभ हो चाहे अशुभ हो, सकाम हो या निष्काम हो, संचित हो प्रारब्ध हो क्रियमाण हो, शुभ अशुभ हो, सब होता है इंद्रियों के माध्यम से। और जहां इंद्रियां हैं वहां पर भक्ति है ही नहीं। भक्ति जो विषय है बंधुओं अपना है, आत्मा भक्ति करता है, इंद्रियां भक्ति नहीं करती हैं। इंद्रियों से तो कर्म होता है, शरीर के अंदर जो है पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नासिका है, जिह्वा है, त्वचा है, आंखों से हम देख रहे हैं, कानों से हम शब्दों को सुन रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, त्वचा से हम स्पर्श करते हैं, जिह्वा है इससे हम स्वाद लेते हैं। इसी तरह से शरीर के अंदर कर्म इंद्रियां भी हैं, हाथ है, पैर है, गुदा लिंग और वाणी है। हम चलते हैं लेकर के स्वर वेद से। अरे हमारे यहाँ तो आयुर्वेद भी है, स्वर वेद भी है, योगा भी है और योग भी है। हम योगा भी करते हैं और योग भी करते हैं। आज योग को योगा समझ बैठे हैं लोग,
जबकि योग योगा नहीं है। योगा क्या है? जहाँ आसन है, जहाँ पर प्राणायाम है। सदगुरुदेव ने तो लिख दिया, योग न वाणी से बने, योग न आसन साध। योग जो है प्राणायाम नहीं है, योग अष्टचक्रों की कहानी नहीं है, योग पंच शब्द नहीं है, योग तो योग है। हमारे यहाँ योगा भी है और योग भी है, और जगह केवल योगा चल रहा है। आज हम योग को आसन प्राणायाम की सीमा में बांध करके मानो योग का उपहास करने में लगे हुए हैं। बंधुओं, आसन प्राणायाम अपने में कभी भी संपूर्ण योग नहीं हो सकता। योग की व्याख्या की है ऋषि पतंजलि ने, उसमें योग के 8 अंग माने गए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। आसन प्राणायाम योग का एक अंग है। आसन प्राणायाम अपने में पूर्ण योग नहीं है। आज सारे विश्व में योग की धूम मची हुई है। क्या बच्चा है, क्या बूढ़ा है, क्या जवान है, सभी योग कर रहे हैं। विहंगम योग कहता है कि जहां आसन प्राणायाम है वहां पर योग नहीं है, वहां पर तो योगा है। शरीर की कसरत है, शरीर का एक्सरसाइज है। योगा में आसन है, प्राणायाम है, रेचक पूरक कुंभक है, शीतली है, शीतकारी है, भस्त्रिका है, उज्जायी है, कपालभाति भी है, अनुलोम विलोम भी है, भस्त्रिका भी है, कहीं चंद्र भेदी है, कहीं सूर्य भेदी है। ये तो शरीर की शुद्धि के लिए है, शरीर से हम कैसे स्वस्थ रहें इसके लिए है। इसको हम लोग योग मान बैठे हैं। विहंगम योग कहता है आसन प्राणायाम की आवश्यकता है, आसन प्राणायाम का महत्व है, इसका लाभ भी है। आसन करने से, प्राणायाम करने से शक्ति हमारी बढ़ जाती है, प्राणों में ओझ आ जाता है, स्फूर्ति हो जाती है, शरीर से हम निरोग हो जाते हैं। लेकिन आसन प्राणायाम ही हम करते रह जाएं और कभी योग नहीं किए, जीवन भर योगा करते ही रह गए, विहंगम योग कहता है कि आसन प्राणायाम करो, योगा करो, लेकिन योग भी करो। योगा योग नहीं हो सकता, योग योगा नहीं हो सकता। सदगुरुदेव ने क्या लिखा, योग कहत हैं जोड़ को, योग कहत हैं संधि, अयोग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। योग योग सब कोई कहा, योग न जाना कोई, अर्ध धार उरद चले, योग कहावे सोए।
परम पुरुष और आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं कभी न हो ये वियोग। आज विश्व में कौन कहने वाला है कि मैं अद्भुत मार्ग योग विहंगम बतलाऊंगा, बतलाऊंगा ही नहीं पहुंचाऊंगा भी। किसको? जो विहंगम योग की साधना को विधिवत नियमित करेगा। आज विश्व में कौन कहने वाला है अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा। कौन कहने वाला है अमर लोक की, अमर लोक की अद्भुत लीला मैं तुमको दिखलाऊंगा। सुनकर मित्र अचंभा मानो, अनुभव सत्य दिखाऊंगा। सदगुरु देव का परम निर्माण 1954 के महाकुंभ के अवसर पर झूसी में हुआ। सदगुरु देव कभी नहीं कहे कि मेरी मृत्यु हो रही है, मैं मर रहा हूं, कभी नहीं कहे। हमेशा कहते रहे कि योगी मरता नहीं है, योगी शरीर का त्याग करता है, शरीर को छोड़ता है। सदगुरु देव कहे कि मृत्यु क्या है, मृत्यु जो है मेरे लिए एक क्रीड़ा है, एक खेल है। मरना भला विदेश का, जहान अपना कोय, मिट्टी खाए जनावरा महामहोत्सव होए। यही मरने से जग डरे, यही मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। सदगुरु देव भूमंडल के आध्यात्मिक सूर्य थे। सदगुरु देव के देहांत के बाद जो पत्रिका निकली थी सदगुरु संदेश, गया आध्यात्मिक मंत्रालय से, उसमें प्रथम आचार्य ने क्या लिखा है, भूमंडल के आध्यात्मिक सूर्य का अस्त हो गया। आचार्य प्रथम ने भूमंडल शब्द का प्रयोग किया है। सदगुरुदेव ने तो कहा कि भूमंडल प्रचार है, छान बीन सब आए। प्रथम आचार्य ने लिखा सदगुरुदेव के देहांत के बाद मासिक पत्रिका में, भूमंडल के आध्यात्मिक सूर्य का अस्त हो गया। सचमुच हमारे सदगुरुदेव भूमंडल के आध्यात्मिक सूर्य थे। सदगुरुदेव ने लिखा कि एक काल में एक सदगुरु होता है। सदगुरुदेव के समय में भारत देश के अंदर 3-4 सदगुरु बन गए थे।
तो स्वामी जी ने एक निकाली विज्ञप्ति कि सरकार ने सभी विषयों की परीक्षा नियुक्त की है, सभी विषयों की परीक्षा होनी चाहिए। वैसे ही अध्यात्म में भी परीक्षा का विधान होना चाहिए कि कौन सद्गुरु है। सद्गुरुदेव ने क्या लिखा स्वर वेद में, ग्रंथ रचे अध्यात्म का सो सद्गुरु पद पाए, देव सदा फल भरमि में रच जग जीवन साय। सद्गुरु जो है जीव का कर्णधार है। सद्गुरु जीव का तारणहार है। जहाँ रक्षक आपन नहीं कोई, तह रक्षा सद्गुरु से होई। सद्गुरु जो है प्रभु का रूप है। सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप है, नर स्वरूप के मान पारस दे जगजीव को कंचन रूप बनाए। अरे जगजीवन से अलग है, जगजीवन से अलग है बीस कला जय माए। सदगुरु प्रभु का रूप है, शब्द कला गुण जाए। कहीं बारह कला है, कहीं सोलह कला है। सदगुरु के अंदर बीस कला है, बीस कला भूषित गुरुदेवा, सच्चिदानंद भाव तन सेवा। स्वामी जी कहते थे कि ये शरीर जो है ये गुरु नहीं है। मेरे भक्त मेरे शिष्य मेरी आरती करते हैं इसलिए कि ब्रह्म का जो ज्ञान है शरीर के अंदर अवतरित हुआ है, इसलिए सद्गुरु के व्यक्त देह की पूजा का विधान है। व्यक्त और अव्यक्त है सद्गुरु दो स्वरूप। सद्गुरु की जो शक्ति है निकल रही है नखों के द्वारा, वाणी के द्वारा भी शक्ति निकलती रहती है। आंखों से भी शक्ति निकलती है, रामायण के अंदर गोस्वामी जी ने लिखा कि नखों में प्रकाश निकलता है नखों से। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, ब्रह्मयनादि अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सुलभ करी पावा।
पर बस जीव स्वबस भगवंता जीव अनेक एक श्री कंता। गोस्वामी जी कहते हैं कि जहाँ तक मन की पहुँच है, मन की दौड़ है, वहाँ भक्ति नहीं है। गो गो चला जहाँ लगी मन जाई, तहाँ तक माया जानहु भाई। जहाँ तक इंद्रियों की दौड़ है, जहाँ तक इंद्रियों की पहुँच है, गोस्वामी जी कहते हैं क्या है वहाँ, मन का खेल है, मन का रंजन है। ऋषियों ने कहा कि जहाँ से वाणी मन के साथ उस परमात्मा को न प्राप्त करके वापस लौट आती है, उसके परे परमात्मा है। परमात्मा जो है प्रकृति पार का विषय है। प्रकृति पार जो वस्तु है, प्रकृति में किम आए, जो वस्तु प्रकृति से परे है वो प्रकृति में कैसे आएगी। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरजय भी नासी। गोस्वामी जी महाराज पहुँचे हुए फकीर थे, पहुँचे हुए संत थे। फकीर होने की आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सदगुरु की महत्ता बताई है रामायण के अंदर। सदगुरु को कर्णधार माना है गोस्वामी जी ने। वो सदगुरु की खोज कहाँ कोई कर रहा है। सदगुरु जिसको चाहते हैं कि जीव हमें पहचाने, वही जीव सदगुरु को पहचान पाता है। सदगुरु की पहचान मन बुद्धि वाणी का विषय ही नहीं है। सदगुरु जिसको चाहते हैं कि मेरा शिष्य मुझे पहचाने, वही सदगुरु को पहचान पाता है। सन्मुख हो या जीव मोहि जबही, कोटि कर्म अघ नासहिं तबहिं। माया जाल अपार बधे तामे संसारा, कहीं माया का जाल है और कहीं पर ब्रह्मचक्र का विस्तार भी है। सदगुरुदेव ने स्वर वेद के अंदर सारे ज्ञान विज्ञान को उड़ेल दिया है। सदगुरु के प्यारे भक्तिज प्रेमियों, हम सबका प्राणाधार जीवनाधार सदगुरु हैं। हम सभी स्वर वेद से जुड़े हुए हैं।
हम सभी विहंगम योग से जुड़े हुए हैं। इस समय विहंगम योग संस्थान के अंदर दो कार्य प्रधान हैं। एक तो है स्वर्वेद महामंदिर का निर्माण, आप सभी भक्त शिष्यों के सहयोग से स्वर्वेद महामंदिर का निर्माण बहुत हो चुका है। तो बहुत हो चुका है इसका मतलब ये नहीं है कि अब कुछ नहीं करना है। अभी तो महामंदिर का ढांचा तैयार हुआ है, सारे कार्य तो अंदर के हैं, स्वर्वेद महामंदिर परिसर में देश के प्रधानमंत्री पधारे थे, प्रधानमंत्री महोदय ने क्या उद्बोधन किया कि स्वर्वेद मंदिर जो है केवल बनारस के लिए नहीं है, यह तो भारत का नजराना बनेगा। स्वर्वेद मंदिर केवल काशी के लिए नहीं है, एक दिन भारत का एक नजराना बनेगा। प्रधानमंत्री महोदय ने इसकी उद्घोषणा की। प्रधानमंत्री महोदय जी ने स्वर्वेद का दोहा बोल करके हम सभी भक्त शिष्यों को आनंदित कर दिया। हम बड़े ही मग्न हो गए जब देश के प्रधानमंत्री महोदय ने स्वर्वेद का दोहा बोल करके हम सबको आश्चर्य में डाल दिया। दया करे सब जीव पर ऊंच नीच नहीं जान, अंतर देखे आत्मा त्याग देह अभिमान। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री तो हैं ही, रहेंगे भी, लेकिन उनकी जो पकड़ है अध्यात्म में भी शीर्ष स्थान पर है। प्रधानमंत्री महोदय ने ये भी कहा कि मैं सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की आध्यात्मिक उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। इससे क्या सिद्ध होता है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी की भी आध्यात्मिक पकड़ कितनी ऊंची है, वे अध्याप के ऊंचे शिखर पर हैं, उन्होंने अनुभव किया कि सदगुरु सदाफल देव जी महाराज आज भी अव्यक्त रूप से उपस्थित हैं। तो सदगुरु का तो दो स्वरूप होता ही है, व्यक्त भी और अव्यक्त भी। एक गुरु तीन लोक में प्रकट गुप्त संसार, कहीं आकाशवाणी बने कहीं आत्म उद्धार। सद्गुरुदेव ने कहा है कि सद्गुरु पद उसी को मिलता है
जो अपने जीवन में आध्यात्मिक पुस्तक का निर्माण करता है। सद्गुरुदेव ने कहा था अपने जीवन काल में कि आज देश में कई सारे सद्गुरु हो गए हैं, सद्गुरुदेव ने लिखा स्वर वेद के अंदर ग्रंथ रचे अध्यात्म का, सो सद्गुरु पद पाय देव सदा फल। सद्गुरु पद पाय ग्रंथ रचे अध्यात्म का, सो सद्गुरु पद पाय। सदगुरु का पद जो है बहुत ही दुर्लभ है, सदगुरु पद ईश्वरीय है। देव सदा फल भरब में रच जग जीवन साय। सद्गुरुदेव कहा करते थे अपने अमृत तुल्य वाणी में, जो सद्गुरु की वाणी है, अध्यात्म में आवश्यकता है संस्कारी आत्मा की। पिता पुत्र का संबंध तो प्रकृति जगत में है, व्यवहारिक जगत में है, कोई पिता है कोई पुत्र है। अध्यात्म में संस्कारी आत्मा की आवश्यकता है, चाहे वो पुत्र रूप में हो चाहे शिष्य रूप में हो। ज्ञान का प्रवाह चलता है दो तरह से, एक चलता है पुस्तकों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, और एक चलता है परंपराबद्ध सदगुरुओं के माध्यम से। सदगुरु का जो पद है वह किसी महंत का नहीं है, किसी साधु का नहीं है, किसी पंडित का नहीं है। सदगुरु का चुनाव नहीं किया जाता, सदगुरु के चुनाव के लिए कोई कमेटी नहीं गठित की जाती, सदगुरु ही सदगुरु बनाता है। अजगुरु की छाया पड़े सदगुरु पद अधिकार, विद्या पढ़ नहीं गुरु बने महा कठिन व्यवहार। सुत ज्ञान धारा चली जगत गुरु जन सोय, साधन सुन वे गुरु नहीं जीवन मुक्त गुरु होए। एक गुरु है, एक गुरुआ है, और एक सदगुरु है। गुरु ज्ञान देता है व्यवहार का, समाज का, साहित्य का, वेद का, दर्शन का। एक लौकिक गुरु है, एक वैदिक गुरु है, एक पारमार्थिक गुरु है। तो पारमार्थिक गुरु कौन है? वही तो सदगुरु है। अरे एक गुरुवा भी होता है जो घर घर घूमता है, गली गली घूमता है और कान फूंकता रहता है, कान की धूली साफ करने में लगा रहता है।
जग में गुरु बहुत कन फुकवा, फांसी लाई बझावे, कहे मुनिंद्र सोई गुरु पूरा, जो आई के कंत मिलावे। घर घर मंत्र देत फिरत तू है महिमा के अभिमाना, गुरु सहित शिष्य सब बूणे अंतकाल पछताना। सदगुरु गले में कंठी नहीं बांधता, भस्म नहीं लगाता, सदगुरु का जो ज्ञान है वहां तो अपना अनुभव है। अपनी भूमि है, सदगुरु हम सबको देखते रहते हैं, हमारा योग क्षेम पूरा करते रहते हैं। शक्ति को जगाते रहते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं। अरे सदगुरु तो हमारे बंद द्वार को खोल देते हैं। पाट बंद है गगन का, पाट बंद है गगन का, बाहर रोक प्रकाश, अंधकार अंतर रहे, मोह कर्म जग पास। खुले खुले अधर किवाण जब, खुले अधर किवाण जब, अंत मिटे अंधियार। अरे अंतर दृष्ट बिलो किए, रचना अपरम पार। समय बहुत हो चुका है, ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर अपार से अपार ज्ञान है। स्वर वेद सिद्धांत का ग्रंथ है, यह हमारे सदगुरु का महावाक्य है। स्वर वेद के समान आध्यात्मिक जगत में कोई वांग्मय नहीं है, कोई साहित्य नहीं है। स्वर वेद महामंदिर आज एक भव्य रूप ले लिया है, दिव्य रूप ले लिया है। अब हमें अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। परिचय तो बस यही है, विहंगम योग और स्वर वेद मंदिर, यही दो परिचय है। देश के प्रधानमंत्री महोदय ने स्वर वेद महामंदिर परिसर से पूरे वर्ल्ड में विहंगम योग का मैसेज भेज दिया है। अब हमें प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्रचार तो हो गया है। सदगुरुदेव ने क्या कहा भविष्यवाणी के क्रम में, प्रचार तो मैं कर दिया हूं, प्रचार हो जाएगा। भूमंडल प्रचार का जो संकल्प है सदगुरुदेव का है। सदगुरुदेव ने कहा है कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद उत्तराधिकारी आचार्य
मेरे संदेशी दूत, उपदेष्टा, प्रचारक, सिपाही, हंस हंसनी जाएंगे और प्रचार हो जाएगा। स्वर्गविद महामंदिर जो है विश्व का एक आध्यात्मिक तीर्थ होने वाला है। अरे विश्व के जो भी आध्यात्मिक पिपासु हैं, करोड़ों की संख्या में भविष्य में आने वाले हैं। स्वर्ग मंदिर का दर्शन करने के लिए, दर्शन करें क्यों नहीं वे लोग? ऐसा तो महामंदिर कहीं है नहीं जहां पर एक साथ हजार, दो हजार, पांच हजार, दस हजार नहीं, 20,000 साधक साधिकाएं ध्यान कर सकते हैं, कर सकती हैं। ऐसा वर्ल्ड में कोई महामंदिर नहीं है। मंदिर तो बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन स्वर्ग वेद महामंदिर जो है अध्यात्म को संकेत कर रहा है, ब्रह्म विद्या की तरफ संकेत कर रहा है। स्वर्ग वेद महामंदिर पर जो भी देश विदेश के लोग आएंगे, 20,000 साधकों की व्यवस्था वहां पर है। ऐसा महामंदिर आज विश्व में कहीं नहीं है। और हमारा आपका सौभाग्य है कि ऐसे स्वर्गवेद महामंदिर में हम अपनी सेवा दे रहे हैं। यह हमारे आपके लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि सदगुरु जो है सेवा करने का हमें अवसर दिए हैं। मैं कई बार कई जगह कह चुका हूं कि गंगा की अविरल धारा बह रही है। इस अविरल धारा में, इस त्रिवेणी में स्नान कर लो, नहा लो, बार बार यह अविरल धारा नहीं बहने वाली है। समय की जो नब्ज है उसको हम लोग पहचान लेवे। अरे स्वर्ग मंदिर जब बन जाएगा तो आप अपनी सेवा कहाँ लगाएंगे? स्वर्ग महामंदिर के साथ साथ सदगुरुदेव भगवान की विशाल मूर्ति बनने वाली है। समय से वो भी कार्य हम लोगों को पूरा करना है। सदगुरु के कार्य को, सदगुरु के जो भक्त हैं, शिष्य हैं, वही पूरा करते हैं। हम सभी सदगुरु से जुड़े हैं, हम सभी स्वर्गवेद से जुड़े हैं। सेवा के विषय में सदगुरुदेव ने अपने ग्रंथों में कई जगह उल्लेख किया है। साधन सेवा प्रथम है, सेवा हीन न ज्ञान। सेवा जित उत्तीर्ण को विश्व अलभ्य न कोय। सेवा सदगुरुदेव की, सत्संगत गुरुदेव, जन्म सफल कर लेव, अंतर सुमिरन भजन है।
सेवा जित सेवक गुरु प्यारा अनुरागी पहुंचे दरबारा। तो प्यारे भक्त शिष्यों, सेवा करने का यही शुभ अवसर सदगुरु ने हमें प्रदान किया है और आप सबकी विशेष सेवा से ही स्वर्वेद महामंदिर एक भव्य रूप ले लिया है। अभी तो शताब्दी दिवस के अवसर पर स्वर्वेद महामंदिर का प्रथम चरण का उद्घाटन होगा। आगे अभी 6 तल्ला और है, 6 मंजिला और है। स्वर्वेद महामंदिर का निर्माण जब पूरा हो जाएगा, स्वर्वेद ग्रंथ के प्रवर्तक प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की जब भव्य मूर्ति स्थापित हो जाएगी, आप अपनी सेवा कहाँ करोगे? तो समय कम रह गया है और कार्य अभी अधिक है। हम सबको बढ़ चढ़ के सेवा करना है। दान के विषय में शास्त्रकारों ने कहा है कि अच्छे शुभ कार्यों में दान करना चाहिए। दान करने के भी कई प्रकार हैं। दान कीजिए श्रद्धा से, श्रद्धा नहीं है तो कीजिए अश्रद्धा से भी, अश्रद्धा भी नहीं है तब कीजिए किससे? अरे सदगुरु प्रभु के डर से भी। अगर ये भी नहीं है तो संकोच से भी, संकोच से भी सेवा कीजिए। धन का सही उपयोग कीजिए। धन का सही उपयोग क्या है? अच्छे शुभ कार्यों में लगाना। आपकी सेवा कितने पवित्र आध्यात्मिक तीर्थ में लगाया जा रहा है, जहां पर भविष्य में देश विदेश के लोग आने वाले हैं, करोड़ों की संख्या में भविष्य में वहां पर हंस हंसनी भी आएंगे। सदगुरु शिष्यों की भी श्रेणी बांट दिए हैं, उत्तम कोटि के शिष्य हैं, मध्यम कोटि के शिष्य भी हैं, कनिष्ठ कोटि भी के हैं, अधम कोटि के भी हैं और अधमाधम कोटि के भी हैं। किसी कोटि के शिष्य हो, सदगुरु तो सबको देख रहा है। सदगुरु का स्नेह सबके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि जो उत्तम कोटि का शिष्य है उसी पर है। चाहे हम कनिष्ठ कोटि में हों, चाहे हम अधमाधम कोटि में हों, अधम कोटि में हों, सदगुरु जो है भेदभाव नहीं करता। शिष्य हमारे सब बड़े, कर्म गुणन का भेद। सदगुरु की जो निगाह है, सदगुरु की जो दृष्टि है, सभी शिष्यों पर है समान रूप से।
सदगुरु जो है सबका भला चाहता है, सबका कल्याण चाहता है। पंचचिति है योग की, एक जन्म नहीं पाय। कोई कोई गुरु के लाल हैं अंत महल पर जाए। एक जन्म दो जन्म में करत योग अभ्यास, जन्माने का उत्थान में जीवन मुक्ति पद भास। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षित चतुर्थ कोई पाय। अधीर वीर कोई हंस है अंत महल पर जाए। आज भूमंडल में कौन कहने वाला है कि योग की पांच श्रेणियां होती हैं? कोई नहीं कहने वाला है। कहने वाले हमारे एक मां सदगुरु हैं, अध्यात्म क्रांतिकार हैं, जो चारों फलों को प्रदाता हैं, चारों फलों को देने वाले हैं, जिनकी आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव सदगुरु के जो शिष्य भक्त हैं, जिनकी चेतना प्रकृति के परे है, उनको हो रही है। सदगुरु प्रकृति के परे है, सदगुरु का जो ज्ञान है प्रकृति पार का है। परमात्मा चेतन विज्ञान का विषय है यह कहने वाला आज वर्ल्ड में कौन है? एक ही है जिनका नाम है सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। सदा फल्यम ददाति, जो चारों फलों के प्रदाता हैं, जो चारों फलों को देने वाले हैं। सौ से अंकित है तिरुनामा, दौ से दया करो बिरुदामा, फौ से फिर नहीं मिलत शरीरा, लौ से सुरत होय बलबीरा। हमारे सदगुरु चारों फलों के प्रदाता हैं, मुक्तिदाता हैं। इस संसार से भवसागर से पार करने वाले हैं। हमारा जो संबंध है सदगुरु से मुक्ति तक रहता है, मुक्ति तक संबंध गुरुदेवा। गुरु जो है, सदगुरु जो है, अपने शिष्यों को कभी छोड़ता नहीं है। सदगुरु जो है उसकी दृष्टि हम सबके ऊपर है, एक समान रूप से है और एक समान रूप से बराबर रहती है, रहेगी। कर्म गुण स्वभाव से अलग अलग हो सकता है, लेकिन दृष्टि में सदगुरु जो है एक समान सबको देखता है। आज इस अवसर पर जो भी सदगुरु के भक्त शिष्य यहाँ पर उपस्थित हैं, सबके प्रति मेरा स्नेह है, प्रेम है। शुभ संदेश भी है। आप सभी शरीर से निरोग रहो, स्वस्थ रहो। आप सबके घर में लक्ष्मी का वास हो, धन का आगम भी हो। अरे आप अपने सर्विस में, व्यापार बिजनेस में भी तरक्की करो।
और अंत में सदगुरु प्रभु के चरणों में भक्ति की मांग हम करें। भक्ति की मांग में ही सारी मांग सदगुरु समय से पूरा कर देते हैं। कहना तो बहुत कुछ था, मेरे पास तो बहुत संस्मरण है। मैं 1970 से ही आप सबकी सेवा में लगा हूं। 1970 से सेवा में लगा रहूंगा। मेरा चुनाव सदगुरु ने इसीलिए किया है। मेरी जो सर्विस है इसमें कोई कभी रिटायर नहीं होता है, आजीवन रहता है। मैं साहब की नौकरी में लगा हूं और लगा रहूंगा। सदगुरु प्रभु की मेरे ऊपर विशेष कृपा बचपन से ही रही है। मेरा कितना बड़ा हो भाग्य है कि सदगुरु परिवार में मेरा जन्म हुआ। मैं इसको अपना बहुत भाग्य मानता हूं। सदगुरु ने मेरे बाल्यकाल में ही कह दिया था। क्या कहा था? जिससे कहा था वो तो व्यक्ति आज नहीं है मेरे बीच। वे कहते थे कि यह जो बालक है यही मेरा प्रचार करेगा। एक थे सिपाही रामानंद पटना के। मैं उस समय स्वामी जी की गोद में था तो मुझे तो पता नहीं था कि स्वामी जी क्या कहे, लेकिन वे सिपाही जो शिष्य थे वे हमसे कहे कि देखा हो, अरे एहू के तुरा सेवा करे के पड़ी, ये हमारे प्रचार करी। तो सदगुरु ने मुझे पात्र समझा, तभी तो मुझे सौभाग्य मिला सदगुरु के ज्ञान के प्रचार प्रसार का। बिना सदगुरु प्रभु के वरदान के आशीर्वाद के संकल्प से कुछ नहीं होने वाला है। जो कुछ होने वाला है सदगुरु ने पहले ही तय कर दिया है। यह प्रचार कार्य कितने वर्षों तक चलेगा, कितने जीव मुक्ति में जाएंगे, कितनों का आवागमन मिट जाएगा, कितने पुनः शरीर में आएंगे, हमारा आपका सौभाग्य है कि हम सभी भक्त शिष्य सदगुरु के संकल्प का जो सीमा है उसके अंदर चल रहे हैं। सदगुरु का जो संकल्प विश्व प्रचार का है उस सीमा के अंदर हम लोग हैं। ऐसा नहीं है कि यह प्रचार ऐसे ही बराबर चलता रहेगा, इसकी भी एक सीमा है। कब तक प्रचार चलेगा, कब तक प्रचार होगा, भविष्य में ऐसा समय भी बहुत वर्षों बाद आने वाला है। स्वर्ण वेद तो रहेगा, सदगुरु भी रहेंगे,
साधन भी हम करेंगे लेकिन शक्ति काम ही नहीं करेगी। सदगुरु ने क्या कहा, एक लाख जीवों को मुक्ति धाम में भेज दूंगा तब विचार करूंगा कि मैं रहूं कि न रहूं। तो सदगुरु के संकल्प को हमें आपको याद रखना है। हम सभी बड़े बड़े भागी हैं, हम सब पर सदगुरु की महान दया है, कृपा है कि हम सदगुरु के संकल्प सीमा के अंदर साधन भजन कर रहे हैं। सदगुरु जो है हम पर कृपा बरसा रहे हैं, यह कृपा बराबर बरसती रहेगी एक रूप से, ऐसी बात नहीं है। अरे वो अभी समय आने वाला है, बहुत वर्षों के बाद आने वाला है। सदगुरु शक्ति खींच लेंगे, सदगुरु शक्ति खींच लेंगे और विचार करने लगेंगे कि मैं जाऊं कि रहूं। तो मैं तो बार बार यही अनुभव करता हूं कि सदगुरु की महान कृपा बरस रही है, जिसका जैसा पात्र है वैसा उसको अनुभव हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। उत्तम अधिकारी मिले सार शब्द उपदेश, सदगुरु सैन्य लखामही नई भाषण आदेश। उत्तम अधिकारी शिष्य के लिए भाषण की आवश्यकता नहीं है, प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु सैन्य लखामही नई भाषण आदेश। सदगुरु के साहित्य के प्रति, सिद्धांत के प्रति हम सभी समर्पित हैं। सिद्धांत से कोई समझौता नहीं हो सकता है। स्वर वेद सदगुरु के सिद्धांत का महान ग्रंथ है। उत्तराधिकारी विज्ञान देव जी महाराज सदा कहते हैं कि स्वर वेद विहंगम योग का क्या है, संविधान है। तो विहंगम योग के संविधान स्वर वेद में कोई भी उलट फेर नहीं कर सकता। सरकार के संविधान में उलट फेर होता है और आगे भी होता रहेगा, लेकिन सदगुरु के संविधान में, स्वर वेद में कोई भी उलट फेर नहीं कर सकता, किसी को अधिकार नहीं है। स्वर वेद के प्रति हम सभी सदगुरु के भक्त शिष्य समर्पित हैं। स्वर वेद के समान आध्यात्मिक जगत में अरे कोई पुस्तक नहीं है। स्वर वेद के प्रति हम पूर्ण आस्थामान हैं, आस्थामान रहेंगे। सिद्धांत से कोई भी समझौता नहीं होगा। सदगुरु देव की जो अनुभव वाणी है वही तो स्वर वेद है। साधना के पहले हम स्वर वेद पढ़ते हैं। 2004 में
स्वर्ग बेदहा मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हुआ और 2004 ही में संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज के द्वारा स्वर वेद कथा का शुभारंभ हुआ। कैसी सुखद घड़ी है, स्वर वेद वहां मंदिर का निर्माण आरंभ और साथ ही स्वर वेद की कथा का भी शुभारंभ। उत्तराधिकारी विज्ञान देव महाराज लगभग 22 वर्षों से मेरा सहयोग कर रहे हैं। उनके अंदर एक ही लगन है, वह लगन क्या है, स्वर वेद महामंदिर का भव्य निर्माण हो जाए और सदगुरुदेव की भव्य मूर्ति लग जाए। अरे चाहे जेठ की दोपहरी हो या भादो की अंधेरी हो, विज्ञान देव महाराज स्वर वेद में ही सोते हैं और स्वर वेद में ही जागते हैं। जेठ की दोपहरी में जाते थे राजस्थान, किस लिए, स्वर वेद महामंदिर में कौन सा मार्बल लगेगा। स्वर वेद महामंदिर में उसके निर्माण में विज्ञान देव महाराज ने अथक प्रयास किया है, उन्हीं के अथक परिश्रम का फल है जो आज स्वर वेद महामंदिर एक भव्य रूप ले लिया है। आप जानते होंगे, जानते हैं, जब से स्वर वेद की कथा का शुभारंभ हुआ है, ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रचार प्रसार में एक आध्यात्मिक क्रांति मच गई है। जब से स्वर वेद कथा का आरंभ हुआ है, दिन दूना रात चौगुना प्रचार में वृद्धि हुई है। नशा पानी से हम छूट गए। जब से स्वर वेद कथा का आरंभ हुआ, नशाखोरी दूर हो गई। हम तंबाकू नहीं पीते, हम जर्दा नहीं खाते, हम कोकेन नहीं खाते, हम शराब नहीं पीते, हम मांस मछली नहीं खाते हैं। स्वर वेद कथा का ही तो प्रभाव है। हम जो है दशा से अलग हो गए, मादक द्रव्य भक्ष अपे पदार्थों से दूर हो गए। हमारे अंदर शुभ संस्कार जागृत हुए, परस्पर आपस में प्रेम हुआ, सहानुभूति मिली, भाईचारे की भावना जगी, स्वर वेद हम पढ़ने लगे और साधना करने लगे, साधना में हमारा विकास होता गया। जो हमारे दोष दुर्गुण थे सब दूर हो गए, हम पवित्र हो गए। अरे अब तो हम ओम का उच्चारण करते हैं, प्रभु को याद करते हैं। विज्ञान देव महाराज हर जगह ओम का उच्चारण करवाते हैं, किस लिए, इसलिए कि परमात्मा का प्यारा नाम, वाचक नाम ओम है। वही प्रभु जो है हम सबका रक्षक है,
प्रभु की तरफ हमारी चेतना जाए, स्वर वेद हम रोज पढ़ें, इसके बाद साधन पर बैठें। यह ज्ञान आपको कौन दिया? उत्तराधिकारी विज्ञान देव महाराज ने दिया है। पहले आप लोग अपने आप ऐसे ही साधन में बैठ जाते थे, उत्तराधिकारी विज्ञान देव महाराज ने क्या कहा? ऐसे मत बैठो, ओम का उच्चारण करो, ध्यान करो, और ध्यान के पहले स्वर वेद के दोहे का पाठ कर लो। पूरा पाठ नहीं करना है तो 2-4-5-10 दोहे ही पढ़ लो और फिर साधना में बैठो। पहले हम लोग साधन में ऐसे ही बैठ जाते थे, उत्तराधिकारी विज्ञान देव महाराज ने कहा कि ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा, तुम्हारा मन तो चंचल है, तुम्हें ध्यान करना है, लेकिन ध्यान करने के पहले स्वर वेद के दोहे का पाठ भी करना है, ओम की ध्वनि भी करनी है। वो कहना बहुत कुछ था लेकिन अब विशेष मैं नहीं कहना चाहूँगा, समय बहुत हो चुका है। फिर कभी आप सबकी सेवा करने का अवसर मुझे मिलेगा। मुझे तो सदगुरु ने इसीलिए चुन लिया है कि आप सबकी सेवा करता रहूं और आजीवन करता रहूंगा। हम सबका संकल्प मान स्वर वेद महामंदिर निर्माण, हम सबका संकल्प मान स्वर वेद महामंदिर निर्माण, हम सबका संकल्प मान स्वर वेद महामंदिर निर्माण। बोलिए सद गुरुदेव की जय।